बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अफजाल अरशद आपके साथ कौन फूड्स पे। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क शेक, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं आगे, तो ड्रिंक्स जो हैं और मिल्क शेक जो हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं गर्मी के अंदर, और बहुत सारे लोग इसका कारोबार भी करना चाहते हैं। अब ये जो रेसिपी है, ये इसी तरह जो मिल्क शेक पॉइंट्स होते हैं या जूस कॉर्नर्स होते हैं उनके ऊपर इसी तरह बनाई जाती है। किस तरह बनाई जाती है, इसके अंदर हम जो आज मिल्क शेक बना रहे हैं ये केले और खजूर का मिल्क शेक है, लेकिन इसके अंदर खोया डाला जाता है, जिससे इसका जो टेक्सचर है और उसका जो समझ लें कि आपको पीते हुए फील आएगी वो नहायत बेहतरीन इसका जायका होता है। तो सबसे पहले आपको एक ब्लेंडर चाहिए, क्योंकि इसको हमने एक स्मूदी बनानी है, हर चीज़ को हमने मिक्स करना है। और इधर मेरे पास केले हैं, क्योंकि ये केलों का सीज़न है, तो हम जो है केलों का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो जी, इसके अंदर 6 से 7 केले आप शामिल करें तो हमारी जो 3 नॉर्मल मग होते हैं बड़े ग्लास, उनकी सर्विंग बन जाएगी। तो ये 7 केले मैंने छोटे साइज़ के शामिल किए हैं इसके अंदर। और ये है मेरे पास खजूर, जिसकी गुठली हमने निकाली हुई है। कोई भी आप खजूर ले लें, उसकी गुठलियाँ अलग से निकाल लें, और ये भी टेस्ट के हिसाब से। खजूर जो है जो थोड़ी सी हार्ड होती है वो आप इस्तेमाल करें, एक बिल्कुल नरम होती है वो नहीं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब अच्छी खजूर होनी चाहिए। इसके अंदर ये डाल दें, कोई 8 से 10 खजूरें, जिससे इसका कलर भी ना ख़राब हो और टेस्ट भी जो है हमें पूरा डेट्स का मिल जाए। तो जी, अब बारी आती है दूध की। दूध हमने कौन सा इसके अंदर शामिल करना है। हमेशा मिल्क शेक के अंदर जो कमर्शियल लेवल पे रेसिपीज़ बनाई जाती हैं उनके अंदर डब्बे वाला दूध शामिल किया जाता है। उसकी वजह ये है कि वो फुल फैट फुल क्रीम मिल्क होता है। अगर आप घर के अंदर ले रहे हैं कहीं से, तो आपको अगर पता है कि वो अच्छा दूध है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर उतना अच्छा दूध नहीं मिलता, इसलिए हमेशा डब्बे वाला दूध शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर जो है दूध शामिल करेंगे, 1 लीटर दूध जाएगा ये जो सर्विंग हम बना रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी खोया जाएगा तो इससे बड़ी अच्छी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। अब अगर आप चीनी शामिल करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो कर सकते हैं, वरना केला और खजूर जो हैं दोनों मीठे हैं, और मीठे का इस्तेमाल इस तरह की रेसिपीज़ में कम करें तो बेहतरीन आपको जायका मिलेगा। लेकिन क्योंकि नॉर्मली लोग ज़्यादा इसके अंदर मीठा पसंद करते हैं, इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ, जो कि तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर है। ये बड़ा चम्मच है, 2 शामिल किए हैं मैंने। ये चीनी चली जाएगी, और इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसके अंदर ऊपर अच्छी फ्रॉथ आनी चाहिए। उस फ्रॉथ के लिए इसके अंदर हम क्रीम शामिल करेंगे। तो ये 1 और ये तकरीबन 1.5, ये बड़ा चम्मच है मेरे पास, कुछ 3 टेबलस्पून के बराबर बनेगी टोटल। और बाकी जो है इसके अंदर खोया जाएगा, ये कच्चा खोया है, इसके अंदर इतना कच्चा खोया मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो इसके अंदर बग़ैर मीठे के और कच्चा खोया आपने शामिल करना है, जो ब्लेंड होके इसको बेहतरीन फ्लेवर देगा। ये जो मिल्क शेक हम बना रहे हैं ये प्रीमियम क्वालिटी का है, कि इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स बेहतरीन है, फ्रूट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो इसका प्राइस जो है, अगर कोई इसको बिज़नेस करना चाह रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं आगे, तो उसका रेट भी उसी हिसाब से वो रखेगा। तो इंशाल्लाह नीचे मैं इन प्राइसेस को सारी चीज़ें आपको दे दूंगा, कि ये जो टोटल 1 लीटर दूध के साथ जितनी सर्विंग बन रही है वो उसकी कॉस्ट क्या आई है और वो सेल कितने के अंदर होगी। तो इसको अब जो है हमने बंद करके ब्लेंड कर देना है इधर। तो जी, मिल्क शेक जो है हमारा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह, और इस पॉइंट पे ये काफ़ी थिक है, लेकिन मिल्क शेक के अंदर बर्फ़ जो है वो हमेशा इसको ब्लेंड करने के बाद आप शामिल करें, इससे इसकी थिकनेस में इजाफा होगा। तो ये मेरे पास कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये 1 लीटर दूध है, तो उसी हिसाब से हमने इसके अंदर बर्फ़ शामिल करनी है। अब जो है इसको अगेन हम ब्लेंड करेंगे, इससे बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स हैं वो इस पूरे दूध को एकदम से ठंडा करेंगे। जब हम इसको हिला रहे हैं ना, हिलाने से भी ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे, क्रिस्टल्स इसके बर्फ़ के पूरे दूध में फैल जाएंगे, और एकदम इसको चिल करेंगे जिससे इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी, और ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी। अभी काफ़ी ज़्यादा थिक है पहले से। तो जी, ये देखें हमारा जो मिल्क शेक है काफ़ी थिक और बेहतरीन तैयार है, ऊपर जो क्रीम की वजह से फ्रॉथ है वो भी आ चुकी है। तो इसको जो है शामिल करते हैं ग्लासेस के अंदर। अब जो कमर्शियली ग्लासेस हैं वो इस तरह के पेपर ग्लासेस यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल। नॉर्मली आप इसको सर्व करना चाहें तो इस तरह के ग्लास में भी कर सकते हैं, मग हो कोई उसमें भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो जी, इसके अंदर अभी जो मिल्क शेक बाकी है वो 1 लीटर के बराबर है, ये देखें
हमने 1 लीटर टोटल दूध डाला था, बाकी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे वो डाले हैं। तकरीबन 2 लीटर के करीब मिल्क शेक बना है। इसको ये लिड लगा के आप बंद कर सकते हैं अगर आप सेल कर रहे हैं, और इनकी जो कॉस्ट है इन ग्लासेस की वो भी आपको इधर स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो ये है, और जो आपका वैसे ग्लास है वो ये है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। अब ये जो ग्लास है इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो नीचे आपको नज़र आ जाएगी, इसकी जो सेल प्राइस है 160 है इस ग्लास की। ये जो बड़ा ग्लास है आपको इतने में ये मिलता है, खोए वाला जो मिल्क शेक है जो खजूर और केले के साथ बनाया जाता है, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। तो इसको जो है टेस्ट करते हैं, ये स्ट्रॉ में निकाल रहा हूँ, चेक करते हैं किस तरह का टेस्ट है। मीठा बिल्कुल बराबर होना चाहिए जितनी क्वांटिटी हमने शामिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी थिक है और हर चीज़ का परफेक्ट टेस्ट मिल रहा है, और जो खोए की वजह से इसके अंदर एक अलग फ्यूजन आपको मिलेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।